गोरखपुर जिले में बृहस्पतिवार को पिछले 24 घंटे में 270 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या 6452 हो गई है। इस दौरान 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। अब तक 95 कोरोना पॉजिटिव मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 1150 लोग अब तक स्वस्थ होकर अपने घर को लौट चुके हैं। वहीं 2440 लोग होम आइसोलेशन में हैं। ज़िले में इस वक्त कुल 2767 एक्टिव कोरोना मरीज हैं। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि आज पाए गए नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में सदर क्षेत्र में 137 और ग्रामीण क्षेत्र के 114 संक्रमित मरीज सहित अन्य 19 संक्रमित मरीज शामिल हैं, जिसमें शहर क्षेत्र के शाहपुर थाना क्षेत्र में 37, गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 22, राजघाट थाना क्षेत्र में 5, तिवारीपुर थाना क्षेत्र में 3, कैंट थाना क्षेत्र में 30, कोतवाली थाना क्षेत्र में 24, रामगढ़ थाना क्षेत्र में 9, चिलवाताल थाना क्षेत्र में 3, गुलरिया थाना क्षेत्र में 4 और ग्रामीण क्षेत्र में ब्रह्मपुर में 2, कैंपियरगंज थाना क्षेत्र में 4, चरगावा में 7, गोला थाना क्षेत्र में 2, जंगल कौड़िया में 2, कौड़ीराम में 16, खजनी में 3, खोराबार थाना क्षेत्र में 32, पिपरौली में 1, सहजनवा में 13, सरदारनगर में 9, उरवा थाना क्षेत्र में 10 और भटहट में 4 सहित अन्य जगहों पर 19 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की कोरोना की जांच कराई जाएगी। साथ ही जहां भी संक्रमित मरीज मिले हैं उस इलाके को सील करने के साथ सैनिटाइजेशन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है।